विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। बहुत दिनों के बाद जब कोई अपने बिछड़ों से मिलता है ना, तो ऐसी बेचैनी होती है। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ बेटी, अब मैं तुझे कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। बस बस, मुझे वही बच्ची लेना। हे भगवान, हम पे अपनी कृपा ऐसी रखना। ओह, सांत्वना रखो, मुसीबत की घड़ी टल गई। बहुत जल्दी हमारी बच्ची हमारे पास आ जाएगी। अपने दिल को तसल्ली दो। कैसे तसल्ली दूं माँ जी? मैं कैसे अपने दिल को तसल्ली दूं? नहीं दे सकती। जब तक मेरी बच्ची मेरे सामने नहीं आ जाती, मैं अपने आंखों से उसे नहीं देख सकती। मैं जब तक उसे अपने सीने से नहीं लगा लेती ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बहू, मैं अपनी अपनी ममता को समझाने की कोशिश करूं, अपने जिगर को संभालने की कोशिश करो। बहुत जल्दी तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास होगी। और अब तुम्हें पता है, जैसे आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, देखो पापा, जैसे आ गए पापा, ये लो तुम्हारी अमानत आ गई। बस 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 बस, जैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बच्ची लाकर हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अपने को भी अपनों का एहसान करते हैं क्या? मैं आपके परिवार का एक हिस्सा हूं, ये बच्ची मेरा भी खून है। जितना हक आपका है ना इस बच्ची पर, नहीं, उतना ही हक मेरा भी है। मेरी जान बसी थी। अब चलो चलो इसे कुछ खिलाओ। कुछ खिलाओ इसे, भूख लगी है। मैं अभी आई। क्या एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ सारे केस वापस ले लिए? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, ओके। मतलब अब मेरे खिलाफ कोई भी केस नहीं है? अच्छा, मुझे मेरे बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे, वो ओपन हो जाएंगे ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही आकर, हाँ, कल ही आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूं। हैं, मैं कल आपके पास आता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सब सुन लिया मैंने। इसने मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये हकीकत है। मेरे कानों ने जो बात सुनी है, मुझे लग रहा जैसे कोई सपना हो। हे ईश्वर, ये सपना ना हो, ये हकीकत ही हो। अब हम हमारी खुशियों को संजो कर रखेंगे, ठीक है? हाँ। अचानक मेरे दामन में इतनी खुशियां। मैं तुमसे कहता था ना कि ऊपर वाला जब भी खुशियां देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देखो ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अचानक मेरे दामन में खुशी जो आई है, कहीं इसके पीछे भाई जी का हाथ तो नहीं है? उन्होंने तो हमारी मदद नहीं की, वरना इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता था? देखिए वकील साहब, मैं भी एक जज रह चुका हूं, मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपने भाई को माफ करूं या उसे सूली पर चढ़ा दूं,
यह हमारा जाती मामला है, इसमें किसी को भी बोलने का हक नहीं। जी और हाँ, वो जो बिल्डर है ना जिसके साथ सूर्या ने उस घर की डील की थी, मैंने उसकी कंपनी को 1 करोड़ का चेक भिजवा दिया। जी हाँ, मुझे इस बात का एहसास दिला दीजिएगा कि सूर्या ने हमारा घर बेचा था, हमारे खानदान की, हमारे पुरखों की इज्जत नहीं बेची थी। और अगर उसने किसी भी तरह से कोई भी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की ना, तो सच कहता हूं आदित्य प्रताप सिंह उसे छोड़ेगा नहीं। ओके, समझा दीजिएगा उसे। पापा बैठिए, लीजिए चाय पीजिए। पापा सब ठीक है ना? पापा हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, फिर आप परेशान क्यों हो? हाँ बेटा, शुगर है ऊपर वाले का कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अपना घर नीलाम होने से बच गया, वरना खानदान की इज्जत भी नीलाम हो जाती। हाँ पापा, ये तो ठीक है कि समय पर मैंने और आपने पूरी पूरी कोशिश की, वरना ये काम तो बिल्कुल नामुमकिन था। और एक बात है पापा, पापा जी ने इसमें हमें बहुत मदद की है। हाँ मैं जानता हूँ, रघुवीर जी ने बहुत बहुत मदद की हमारी। रितिका, मैं कैसे कहूं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, समझो कि एक रिक्वेस्ट है मेरी। ये क्या बात है पापा, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ऑर्डर करना है, बताइए क्या बात है? देखो रितिका, कई तूफानों से गुजरने के बाद दोबारा सुख और शांति ने दस्तक दी है हमारे घर के दरवाजे पर। उम्मीद करता हूं कि हम उस घर के दरवाजे खोल देंगे और शांति को और सुकून को उस घर में आने देंगे। ऐसा ही होगा पापा, आप मेरा यकीन कीजिए, भगवान आखिर हमारा कब तक इम्तिहान लेंगे। एक बात और, हमारे उस घर में फिर से खुशहाली की एक शुरुआत होने जा रही है। मैं चाहता हूं कि किसी शुभ काम के साथ शुरुआत हो। आप कुछ पूजा पाठ करवाने वाले हो या? मैं चाहता था कि तेरी बच्ची का जो नामकरण है वो हमारे घर में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन पापा, मैं मम्मी जी और पापा जी से इस बात के लिए परमिशन ले लूंगी। वो क्या है ना, उनको पूछे बगैर कोई भी डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है, उनको बुरा लगेगा। हाँ मैं समझता हूँ, उनकी पोती है, उनके घर की रोशनी है वो, और मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। फिर भी रघुवीर जी से बात करके देख। बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो रितिका, उन्हें समझाने की कोशिश करना, किसी भी तरह की जिद मत करना। रघुवीर जी के जज्बातों की बहुत कदर करता हूँ। मैं समझ गई पापा, लेकिन मैं उन्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरी लाडली का नामकरण आप ही के घर में हो, ताकि आपको खुशी मिले। थैंक यू। खाना लगा दूं? ठीक है। हेलो पापा। हाँ रोहित, कैसे हो? अभी ठीक हूँ पापा। बड़ी मिन, अभी ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ पापा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या क्या तकलीफ थी बताओ मुझे। तकलीफ मुझे नहीं, आपको थी, और मैं आपकी वजह से ही परेशान हूँ। मुझे किस बात की तकलीफ है? अच्छा, वो तुम सूर्या की बात कर रहे हो? सूर्या चाचा ने आपको घर से क्या फर्क पड़ता है? देख बेटा, जो होना था हो गया, बात खत्म हो गई, रात गई बात गई। अब सूर्या स्नेहा सुधर गए, बिल्कुल बदल गए, ठीक हो गए सब कुछ। रितिका दीदी से ये बात मुझे मालूम हो गई।
आप तो बिल्कुल बेफिक्र रहे और अपना ट्रीटमेंट ठीक से करवा, ठीक है? पापा, घर के फंक्शन में मैं भी आना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि दीदी के बच्चे के नामकरण में मैं भी रहूं। बड़ा अच्छा होता भाई, तू मामा है, अगर आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। पापा, मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ। रोहित, मैं चाहता हूँ कि तू अपना ट्रीटमेंट पूरा करवा ले, ट्रीटमेंट अधूरा नहीं होना चाहिए। लेकिन घर का फंक्शन? फंक्शंस का क्या है, जब तू आएगा ना तेरे आने की खुशी में एक और फंक्शन रखेंगे। भगवान करे कि अब हमारे घर में शांति बनी रहे। अच्छा पापा, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे बुआ जी के साथ में कहीं जाना है, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। ओके, बाय बाय बाय। अब तो जो कुछ ऊपर वाला करेगा वो अच्छा ही करेगा। इसने यह चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। ये बात तो शायद हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। हमने न जाने कितने पाप अपराध किए अनजाने में। और हेलो मिस्टर सूर्या, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आप तो उसी बिल्डर के आदमी है ना? जी हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? पढ़ दीजिए। क्या है इसमें सूर्या? इसने वो बिल्डर ने हमारे मकान के कागजात वापस कर दिए। क्या? मेरी तरफ से आप उनको शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ये ठीक, चल सर। स्नेहा, यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि अब ये मकान हमारा वापस हो गया है। हमारा नहीं सूर्या, भाई जी का। ये मकान भाई जी का है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अब ये मकान भाई जी का है। सब कुछ भाई जी का है, भाई जी हमारे हैं और हम भाई जी के हैं। अरे भाई, बड़ी देर लगा दी तुमने। भगवान के पास बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रही थी, उनसे बहुत सारी दुआएं कर रही थी। दिल कर रहा था थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन अचानक मुझे ध्यान आया कि आप कहीं घर से बाहर ना निकल जाएं, इसीलिए जल्दी आ गई। अगर ये जल्दी है तो जल्दी को क्या कहोगे? अच्छा खैर छोड़ो, बताओ ऐसी क्या बात है? अरे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पहले लीजिए प्रसाद। वाह वाह वाह। अब बताओ भी क्या बात। पोती का नामकरण संस्कार भी करना है ना? विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या करोगी नामकरण संस्कार में? बहुत धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार करूंगी। अच्छा, धूमधाम से मनाएंगे? तो संस्कारों में क्या क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ कि ये जो संस्कार होते हैं ये क्यों किए जाते हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या होता है? बोल। अरे ये तो पंडित लोग बताएंगे, हमारा काम तो सिर्फ व्यवस्था करना होता है। यही तो बात है, जड़ का पता नहीं चले डाल पर झूला बांधने। अच्छा ये बताओ कुल मिलाकर कितने संस्कार होते हैं? 16। कौन कौन से और इनके पीछे मान्यताएं क्या होती? अरे आप तो ग्रंथ खोल के बैठ गए, आपको इतना भी नहीं पता कि ये सब संभालना पंडित का काम होता है। अरे भाई क्या हो गया, अगर हम भी थोड़ी जानकारी हासिल करके पंडित बन जाए तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है ना। चलो, पोती के नामकरण संस्कार की इजाजत तो मैंने आपको दे दी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना कुछ सिखाता हूँ कि संस्कार क्या होते हैं, जन्म से मरण तक कितने संस्कार होते हैं, उनकी क्या मान्यताएं होती हैं। देखो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है पुष्वन, दूसरा संस्कार होता है गर्भस्थापन और तीसरा संस्कार। अरे अरे अरे, बाप रे बाप, आप तो पंडित हो गए, आपसे अब कुछ सीखना पड़ेगा। उससे पहले ये बता दीजिए कि ये नामकरण संस्कार हम समधी जी के यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई हमारे भी बड़े अरमान हैं, हमारी पोती है, उसका नामकरण संस्कार हम करना चाहते हैं हमारे हमारे घर पर।
लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कहां से? समधी जी की ऐसी ही इच्छा है, उन्होंने बहू से कहा था कि वो हमसे बात करे। ओ, अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, हम पोती का नामकरण संस्कार यहीं करेंगे। समधी जी को मैं मना लूंगा, उन्हें कहूंगा भाई यहीं आ जाए, भाई जब दिल मिल गए तो तेरा घर मेरा घर इसमें कोई फर्क नहीं है ना। मैं समधी जी को मना करके यहाँ लाऊंगा और हम सब मिलकर पोती का नामकरण संस्कार करेंगे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहू को ये खुशखबरी देकर आती हूँ। हाय मानस। हाय रितिका, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं। दिन में 24 घंटे होते हैं और तुम मुझे 25 बार फोन करते हो ये पूछने के लिए कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। अब क्या करें बॉस, फिक्र तो करनी पड़ती है ना। जनाब वहाँ पर फिक्र करने के लिए गए हैं या ट्रेनिंग पूरी करने के लिए गए, बताइए। वेल, तुम कहो तो ट्रेनिंग छोड़कर इंडिया आके तुम्हारी फिक्र करूं? बिल्कुल नहीं, 3 महीने तक, मेरा मतलब है जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती, तुम्हारा इस घर में आना बंद है, नो एंट्री। वेल, इसे मैं रिक्वेस्ट समझूं या तुम्हारा ऑर्डर समझूं? दोनों ही। ठीक है जनाब, आइंदा मैं आपको फोन भी नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। वाह, गुड आइडिया। अच्छा ये बताओ कि मेरी बेटी का नामकरण होने वाला है आज, सब तैयारियां हो गई हैं कि नहीं? मानस, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि हमारी बच्ची के नामकरण संस्कार की जितनी भी तैयारियां हैं वो मम्मी डैडी कर रहे हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बताया था ना मैंने तुम्हें, तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो ना। रितिका, आज मेरी बेटी का नामकरण है और मैं यहाँ अकेला सिंगापुर में हूँ, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। रितिका, आज मेरी बेटी का नामकरण है और मैं यहाँ अकेला सिंगापुर में हूँ, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, दिल करता है सबको छोड़ छाड़ के इंडिया आ जाऊँ। जनाब, ये आपकी फीलिंग्स है या फिर यहाँ वापस आने का कोई नया बहाना? रितिका रितिका प्लीज, मेरी फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाओ, मैं वाकई सब कुछ छोड़ के इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए घर आना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मानस, हमारी बच्चे के नामकरण संस्कार में मुझे भी आपकी आपकी कमी खलेगी, इनफैक्ट मम्मी पापा भी आपको याद करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ही मुझे समझाते हैं कि आप ट्रेनिंग पर गए हो और मुझे या किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट रितिका, 2 दिन की ही तो बात है, आई अश्योर यू कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, मेरी ट्रेनिंग का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों की तरह जिद मत करो मानस। जिद तो तुम कर रही हो रितिका, देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अरे अब ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ और तुम, मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ मानस? समझा नहीं रही हो तुम, मुझ पे ऑर्डर चला रही हो, और रितिका तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे किसी का ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है। देखो अपना मूड मत खराब करो, ये बेकार की बात क्यों बढ़ा रहे हो? रितिका बात मैं नहीं, बात तुम बढ़ा रही हो, मुझे इग्नोर करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम, अब तो मैं जरूर आऊंगा रितिका। तुम्हारा मतलब क्या है? रितिका मैं जरूर आऊंगा, आज आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। तुम नहीं आओगे यहां पर, समझ गए मानस?
मैं फिर से कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ, यहाँ मत आओ, यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है, मम्मी पापा है, सब संभाल लेंगे। नहीं, अब तो मैं आऊंगा रितिका, आज ही आऊंगा, बल्कि अभी आऊंगा मैं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप कैसे आते हो वापस। मैं अभी जाकर मम्मी पापा से आपकी शिकायत करती हूँ, फिर देखती हूँ आप किस तरह से वापस आ सकते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो शिकायत करने तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रितिका, मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ ना? ये सपना नहीं है, हकीकत है। आ गया वापस मैं। तो मतलब तुम मुझे चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे, मैं बात नहीं करूंगी तुम्हारे साथ बस। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा था रितिका। अच्छा सरप्राइज, परेशान करके चिढ़ा के? हाँ नहीं रितिका, सरप्राइज है, समझा करो। तुमने मुझे परेशान किया है ना, चिढ़ा है ना। अब देखो, मम्मी पापा से तुम्हें अच्छी डांट दिलवाती हूँ, देखना तुम। मुझे उनकी डांट मंजूर है, लेकिन ये बात मंजूर नहीं है कि मेरी बेटी का नामकरण हो और मैं ही मौजूद नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पा रही तुम कितने जिद्दी हो। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा, ओके? अब चले मॉम एंड डैड के पास, डांट खानी है जो मुझे, चले। हाँ, चलो। अच्छा रुको, तुम मुझे परेशान कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मानस अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम्हें पता है मम्मी पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा जी, और आप नहीं कर रही थी मुझे मिस? इतना बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रितिका। थैंक यू। कच्चे धागे से बंधा इसमें संसार।